बताया था कि बहुत ज्यादा मुश्किल का शिकार है। सबको पता है कि जिनके घरों में अमवात हो रही है इस वक्त कोरोना की वजह से, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे कोई और, अस्पताल को बताना पड़ रहा है तो वहां से डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, उसके बाद मैयत लेके कब्रिस्तान जा रहे हैं तो खबर नहीं मिल रही, बहुत बहुत दुश्वारियां हैं, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो। तो हम इस पर वर्किंग कर रहे थे, मैंने कल भी बताया था, इस वक्त हम खड़े हैं मलिर रेजिडेंसी के अंदर, बिल्कुल मेन सुपर हाईवे के ऊपर, टूल प्लाजा से बहुत पहले, मलिर कैंट से 2 मिनट की ड्राइव के ऊपर ये जगह है, जो GFS बिल्डर्स के ऑनर हैं इरफान साहब यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने कब्रिस्तान के लिए जगह दे दी है। अच्छा, कोरोना के मरीजों के लिए सिर्फ और सिर्फ, आम लोगों के लिए नहीं है, कोरोना के मरीजों के यहाँ तदफीन करें लाके, आपकी जो भी मजहबी रसूमात हैं आप SOPs को फॉलो करते हुए वो अंजाम दें, कब्र के पैसे भी आपसे नहीं लिए जाएंगे, शहर की मेन लोकेशन पे ये जगह दी है। इरफान साहब, मैं कराची वालों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करूंगा, पाकिस्तान वालों की तरफ से, कि इतनी महंगी जमीन और आपने समझ में दी, क्या बोलेंगे सर, क्या एक्सपीरियंस है, क्या आपका भी कोई इंतकाल हुआ, किस वजह से ये जज्बा आया? बस देखें, ये आजकल जो वबा फैली हुई है, अल्लाह ताला सबसे इसको निकाले, हमारी भी फैमिली में डेथ हो गई थी तो 10-15 दिनों पहले, तो हम भी इस फेज से गुजरे हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं गुसल में मैयतों को लेके जाने में। आपके पास तो माशाल्लाह, तो आप तो साहिब हैसियत हैं इरफान भाई, आपके साथ क्यों हुआ ये? बस वो ये क्योंकि मैनेजमेंट, इतने लोग ज़्यादा हो गए कोरोना के शिकार, कब्रिस्तान है नहीं, दूसरी चीज़ें नहीं हैं, तो जो चीज़ें हो सकती है, जो एक आम इंसान इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्ले पार्ट प्ले कर सकता है वो करे, ताकि है ना इस मुसीबत की घड़ी में सब मिलकर हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। देखिए, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, करोड़ों रुपए की ज़मीन कब्रिस्तान के लिए दे दी है, कोई चार्जेस नहीं है, दफनाने के भी पैसे नहीं है, जैसे चाहे अपनी कब्र बनाओ, तुम जिस फिरके से भी अपनी कब्र बनाओ, अपने मरूंगे दफनाओ, परेशान नहीं हो कि तुम्हारी मजहबी रसूमात पूरी नहीं हो रही, तुम्हें हटा दिया गया, मुर्दे को कैसे कब्र में फेंका जा रहा है, नहीं भाई, इंतहाई इज्जत तकरीम के साथ तदफीन कीजिए यहाँ पर। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, कराची पाकिस्तान के बेटे जाग रहे हैं, खड़े में आपके सामने लोगों का ख्याल है, जो अस्पताल बन रहा है हुनैद लखानी साहब के साथ मिलके, हुसैन लखानी ट्रस्ट के साथ मिलके जो अस्पताल बन रहा है, उसकी तकरीबन मशीनें खरीद ली गई हैं, और मजीद दूसरी जगहों पे भी अस्पताल देख रहे हैं, उसमें उनको भी शामिल रखेंगे, इस अस्पताल में भी इनकी जानिब से भी बड़ी रकम दी गई है, और इस कब्रिस्तान के लिए भी मैयत बस के लिए भी वर्किंग हो रही है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हमारी कोशिश है किसी भी शख्स के घर में जो कोई मरे उसकी मैयत की बेहरमती नहीं हो, बेहतरीन जगह, शहर की आइडियल तरीन, इतनी महंगी जमीन शायद ही किसी के पास कब्रिस्तान की हो। बहुत शुक्रिया।